ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमते नमः। ओम ब्रह्म रामाय नमः। ओम माति श्री नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्यारे मकरो, ये आपके लिए तीन तीन वीडियो देने के बाद भी आपके मन में, कुछ लोगों के मन में डाउट है, शंका है कि 2024 आपके जिंदगी में सुधार लेके नहीं आएगा। जैसे सोचोगे ऐसे पाओगे बाबू। अगर अच्छा और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। ये पहला बात है। हमारा सोच, हमारा चिंता का इतना पावरफुल बल है कि क्या बताएं। अपने सोच को पॉजिटिव बनाइए और जब इतने भरोसा करके मेरे को सब्सक्राइब किए हो, आज तक जितने भी प्रेडिक्शन दिया हूं सब लगा है, सब हुआ है, इसके लिए कई प्रमाण भी दिया हूं। और सबसे बड़ा तो प्रमाण ये क्रिकेट का, मैं क्रिकेट इंटरेस्टेड नहीं हूं। बचपन में खेला करता था, ठीक है, लेकिन न क्रिकेट के बारे में कुछ जानता हूं। बस ऐसे ही टेस्ट करते करते कल कुछ मेरे मित्र लोग बोले कि कोई एक ठो यूट्यूब में वीडियो देखे जहां पर 8-10 एस्ट्रोलॉजर गए थे और वो लोग क्रिकेट का फॉरकास्ट किया, जीतेगा बोल के हार गया। हो सकता है मैच फिक्सिंग हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर को पैसा के बल से खरीद लिए हों, क्योंकि बड़े बड़े सट्टा चलते हैं। मैं केवल ट्रायल मार रहा था, बहुत ईजी है क्रिकेट का प्रेडिक्शन दे देना, बड़ा ईजी है। आप बोलोगे तो 2-4 और लगा दें, लेकिन उसके लिए हमें गाली सुनना पड़ गया आज। गुरुजी बोले यही सब करने के लिए कर रहे हो, किसका कल्याण होगा इससे? और फिर तुम्हें नंबर वाले और सट्टा वाले पकड़ेंगे, हमें बताओ, गलत होगा? तो थोड़ा डांट मिला, बोला ठीक है आगे नहीं होगा। लेकिन मेरा ये ट्रायल था कि इज इट पॉसिबल और नॉट, कराया जा सकता है या नहीं। और खाली जीतेगा हारेगा तो नहीं, मैं नहीं, मेरे को थोड़ा सा द्वंद में था, दूं नहीं दूं, और कोई डाटा नहीं था, और एक ठो चैलेंज भी ले लिया, बोले हाँ चलो देखते हैं, बना देते हैं। तो जिसके साथ चैलेंज लिया था उसके लिए उसको तो दिखा दिया, बोला देख ये हो सकता है। प्लस ये भी बोला कि ये खेल और टोटल, चलो वर्ल्ड कप के बारे में हटाओ, तो बैट्समैन का नहीं होगा तो ज्यादा रन नहीं हो पाया, फील्डर्स विकेट कीपर्स यहां तक बोल दिया, बॉलर्स का गेम रहेगा तो नेचुरली ज्यादा विकेट चटके। तो हालांकि ये शायद 7 विकेट में जीता हमारा इंडिया, तो नेचुरली इनका बल्लेबाज या जो बैट्समैन है कुछ अच्छे किए होंगे, 3 विकेट में ही ठोक दिए सब। बाप खेल है, उधर उतना चिंता नहीं। मैं बस एक ट्रायल मार रहा था और हो गया, कोई बात नहीं। यहां कह रहा हूं ये कि अगर मैं, मतलब ईश्वर इतनी मां, क्योंकि मैं अपने दम पे तो कुछ नहीं करता, वो जैसे प्रेरणा दे। आप सबको थोड़ा सा याद करा देना चाहता हूं, मेरे प्यारे मकरू लोगों को याद करो, 5 साल पहले, 7 साल पहले जब शुरुआती, देखो हर राशि को ना प्रिलिमिनरी 7.5 इफेक्ट होता है। अभी मेष राशि को हो रहा है लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है, बहुत मिनिमम हो रहा है। जब शनि बाबा आगे चल जाएंगे देखना, मस्त इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। खाली ये नक्षत्र शतभिषा पार कर जाए और ये पूर्व भाद्रपद में घुसे, मेन वासी वालों को माइक्रो इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही 5 साल 6 साल तो कहा जाता है, लेकिन 7.5 ही है तो 7.5 से ज्यादा लगता है। और जब पीक पीरियड था और उससे पहले, क्या यूट्यूब में तांत्रिक वीडियो नहीं ढूंढ रहे थे, ब्लैक मैजिक का? बहुत से ढूंढ रहे होंगे। मैं ये प्रेडिक्ट किया था बाबा लोगों के पास, ये मुंबई का वो हीरोइनी मेरे को बोली आपको कैसे पता चला, हम लोग तांत्रिक मांत्रिक के पास, बाबाओं के पास घूम रहे थे। तो
फिर मैं बोला पीछे का वीडियो दे, वो बोले पीछे का भी वीडियो देखा, इतना सारा कैसे बोल देते हैं, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करते थे, बाबा लोगों के पास जाते थे, ब्लैक मैजिक करते थे और लवरा लवरी के साथ इत्यादि इत्यादि जो भी। तो मेरे बाप उस समय ब्लैक मैजिक की ओर काम नहीं दिया, यूट्यूब से देखा शत्रुदमन, नींबू काटो, नींबू में आदमी बनाओ, फाड़ दो, काट दो, गाड़ दो, उड़द लेके गाड़ दो, जो सुना यूट्यूब में, डब्बा में भर दो, बोतल के अंदर भर के मिट्टी में गाड़ दो, दहा दो, बहा दो, लाल अलता ले आओ, लाल सिंदूर ले आओ, मसान में गाड़ दो, शत्रु दमन, शत्रु मारण, मार देंगे उसके नाम पे मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र, यहाँ ढूंढो वो मंत्र, ये नहीं काम देगा शायद ये मंत्र, यूट्यूब में ऐसा बोला है, शत्रु निवारण, वशीकरण, लवरी वशीकरण नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली उत्कंप हो रही है, एकदम मार देगी, काट देगी, हाण देगी, पीट देगी, एकदम अभद्र भाषा करके क्रूरता के साथ मिसबिहेव कर रही है, कई सारे मकरू वाले अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली रखेल रखली, लवरा लवरी, छुपा छुपी का पैर पकड़ रहे थे। आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, थप्पड़ भी खाए मकरू वाले, रोड के बीच में खड़े होकर थप्पड़ खाए, ये सब बोला नहीं। अभी मीन वाले खाएंगे, मीन वालों का शुरू हो गया होगा, कुछ वाले ऑलरेडी खा चुके होंगे, हाँ, अपने बुढ़िया से थप्पड़, अपने बीवी से थप्पड़, अपने बाप से थप्पड़, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल से थप्पड़, अपने लवरी से थप्पड़, अपने गुप्त संपर्क वाले से थप्पड़ खाए होंगे, पैर पकड़े होंगे, 100% लिख लो। हाँ, सबके साथ ये सब घटा नहीं कह रहा हूं, कुंडली के अनुसार जिसके कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा, हाँ, वो कैसे कैसे पीड़ित, तो बहुत सारा स्टोरी है, शुक्र कहाँ बैठा हो, कैसे पीड़ित हो, तो कौन बीवी से थप्पड़ खाएगा, शुक्र कहाँ बैठा हो तो लवरी से थप्पड़ खाएगा, शुक्र कहाँ बैठा हो 7.5 लगा शुक्र पीड़ित है तो रखेल से थप्पड़ खाएगा, कॉलर पकड़ेगी ऐसा करके, मार दूंगी मदर फादर शुरू करेगी, हाँ, होता है नौटंकी, और क्या, आप ही का मोबाइल लेके आप ही के मोबाइल में मस्त वीडियो एडिट करके आप ही का फोटो को आप ही को छोड़ के बाकी लोगों के सामने एकदम नीचा दिखाना होगा, होता है, अभी मीन के साथ चल रहा है। आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, आपका जो लवरा है, आपका जो ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग पैसा के लिए, ब्लैकमेलिंग इमोशनल के लिए, ब्लैकमेलिंग काम निकालने के लिए, ब्लैकमेलिंग मुंबई का लड्डू खाने के लिए, ब्लैकमेलिंग बिना मतलब का पकड़े गए होंगे, झूठों पकड़े गए होंगे, कोई और पॉकेट में हेलमेट डाल दिया और निकला बेटा और फंसा, ऐसे भी केस होता है, अभी मीन वालों के साथ हो रहा है, होता है, क्या करे, आप कैसे बोल सकते हैं, आ जाओ साधना करो पता चल जाएगा। मेरा गुरुजी के पास वो दम है जो कई बार लोगों को बोला आओ सीख लो, जमीन के नीचे कितने नीचे में पानी है, कहाँ है, क्या पानी है, पीने योग्य पानी है नहीं है, कितने फुट में निकलेगा, कितने फुट में मिट्टी निकलेगा, कितने फुट में पत्थर निकलेगा, कितने फुट में लाल मिट्टी, कितने फुट में सफेद मिट्टी, कितने फुट में पानी, बता देते हैं, वो मेटल डिटेक्टर वाले नहीं बता पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ये ताकत है, लेकिन विश्व में दूसरा मेरे को आज तक नहीं मिला जो ये बता दे, बहुत लोगों से देखा, और मैं बोला देखो इस देखो मैं बोरिंग खोदने का बहुत विरोधी हूं, नहीं खोदता, लेकिन आप सोचो एक बार, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग, पानी नहीं निकलता, निकला तो पीने योग्य नहीं, निकला तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये ट्रेनिंग कोर्स ऐसा है कि देश का लाखों रुपया का तेल बच जाएगा, किसान का हालत ठीक हो जाएगा, जहां पानी नहीं मिल रहा है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन इस विद्या को जितने टुच्चे लोग ना यूट्यूब यूट्यूबर वाले हैं, आओ सीखो, नहीं सीखना नहीं, बता दो कितना रेट है, बोल दो, रहने दो, मतलब ये कह रहा हूं कि देखो ये ज्योतिष विद्या है,
कोई दूसरा व्यक्ति है जो एस्ट्रोलॉजी करके ये एग्जैक्ट बता दे, यहीं से बैठ के वहां बता दे कि तेरा इस जमीन में इस कोना में, तुम्हारे जमीन का इस अक्षांश द्रघिमा में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बीच में, यहाँ से इतना फुट, यहाँ से इतना फुट, यहाँ से इतना फुट, इतना डीप के नीचे पानी है और इतना जगह में पानी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है। दम है, कोई एक एस्ट्रोलॉजर है भेजो मेरे पास, बता दो कि ये एस्ट्रोलॉजर जानता है। वर्ल्ड का बात बताता रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड में जो बड़े बड़े किताब लिखने वाले, बड़े मूछ बड़े पूंछ वाले जो एस्ट्रोलॉजर है ना, एक निकाल के दे दो, एक चैलेंज के साथ, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। तो ये सब क्या है, ये सब तो टुच्चे प्रडिक्शन है, पूरा टुच्चा प्रडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजी इज अ नॉट प्रडिक्टिव साइंस, इट इज ए करेक्टिव साइंस। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा याद कर तेरा पास्ट, जिस दिन रात रात नहीं सोया, जिस दिन बाध्य होके झूठ को स्वीकार किया, झूठा लांछन को हां बोला, क्योंकि तुम कितना भी बोलो लोग तुम्हें नहीं माने। तुमको पूछे होंगे गया था, नहीं गया, फोटो कहां से आया, वो एडिट करके दे दिया है या दे दी है, फेसबुक में दे दिया है, व्हाट्सएप में दे दिया, गया था, तुम ही क्या है, 100 बार बोलो कोई नहीं सुनेगा, फिर क्या करोगे, हां गया था, झूठा लांछन को आखिरी में बाध्य होके माने होगे, और उसके लिए आज तक अंदर टीस होता होगा, दर्द होता होगा, चोरी किया था, नहीं किया था, ये फिर कौन लिया, तुम ही, हाँ चोरी किया था, या फिर चुप रह गए हो, मौन, ऐसे भी कुछ मकरू किए होंगे, अभी मीन के साथ चल रहा है। बिना मतलब का फेसबुक में लिखे होंगे या डायरी में लिखे होंगे और वो भी पकड़े गए होंगे, झूठ लिखे होंगे, ऐसा ग्रह पागल कर देता है, ऐसा 7.5 में होता है कि तुम्हारे साथ जो नहीं बोलने वाला, जो तुम नहीं किए हो, उसको सच मान के लिख भी दिए हो, मायाग्रस्तम शरीरम मनः, और बाद में पकड़े गए और फिर बाद में डिलीट किए, जो कि तुम नहीं किए, इसको बोलते हैं झूठा लांछन लगना। लगेगा क्यों, लगेगा बोला देखो, अभी मीन राशि का द्वादश मिशन सीधा द्वादश द्वादश स्थान से, द्वादश से छठा को देखा, मीन का छठा को, ठीक है, यहां से भाग्य को क्लोज करेगा, ये क्लोज हो गया तो यहां से सेकंड को क्लोज कर देगा, क्या होगा, दौड़ोगे तांत्रिक के पास, बाबा के पास, या फिर यूट्यूब में ढूंढोगे बसीकरण का वीडियो क्या है, 5 काला काला उड़द लाओ, 6 काली मिर्च लाओ, नींबू में डालो, उसके अंदर लाल स्याही में लिखो, उसका चित्र बनाओ और पिन में उड़ो, नहीं तो काला वाला एक पुतला बनाओ, उसको रखो, उसको सिंदूर चंदन फूल दो, पिन लेके उड़ो, मरण करो, ये मंत्र रात को 12 बार पढ़ दोगे, शत्रु तुम्हारा मर जाएगा, अभी लड़की बसीकरण हो जाएगी, तुम्हारा बात मानेगी, उठेगी तो उठे, बैठोगे तो बैठो, खुलेगी तो खुलो, डिगोगे तो डिगो, सब करेगी, बता मकरू, सब नहीं, कुछ लोग, डिपेंड अपॉन द शुक्र एंड मंगल कंडीशन ऑफ योर बाथ चार्ट, बहुत से आए, मीन वालों का नौटंकी चल रहा है, ठीक है, होता है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है प्रेडिक्शन। अभी जो आज का वीडियो है ना, कोई एक इस सब बात बोला है, एक पूरा मकर राशि के तो बड़े बड़े हाँक रहे हैं, एक बता दो, और ये बात झूठ है तो बता दो। कई सारे मकरू रोड के ऊपर खड़े होके थप्पड़ खा के बेज्जत होके, कई सारे मकरुओं को रूम में बंद कर दिया गया, बंधन योग क्यों बना था, इधर येतु इधर शनि, बीच में तुम पाप कर्तरी फंसे, जो आज मीन के साथ हो रहा है, आगे राहु पीछे शनि बीच में मीन, बंधन योग था, नहीं हमारा तो कोई बंधन नहीं हुआ, अबे रूम में बैठे रहोगे, बाहर से बंद किए होंगे, या छुपे छुपे घुमाते रहोगे, या मोबाइल बंद करके घूमते रहोगे, किसी का फोन उठाने के लिए डर लगता रहेगा, या तुम्हारा ब्लैकमेलर्स, या तुम्हारा पैसा जो जिससे उधारी लिए थे, घूमता रहेगा, खोजता रहेगा, तुम कहीं गुमनाम होके रहोगे, दीज आर ऑलवेज सी।
ये सब क्यों बोल रहे हो गुरु जी? बोल इसलिए रहा हूं कि बाप, उन सब विपरीत परिस्थिति आज है क्या? और याद करो, जब नया नया मेरे चैनल में जो लोग जुड़े थे, उस समय मैं बोला था अक्टूबर नवंबर तक हालत सुधरेगा। आज सुधरा है कि नहीं? जब सुधरा है फिर भी मेरा बात विश्वास नहीं करोगे और बोलोगे पता नहीं, आप तो थ्योरी और इमोशन बता रहे हो। अरे भाई मान सिंह यादव, अरे महाराज, जब इस कंडीशन से इतना सारा सुधर गया, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट सब चला गया, बताओ 7:30 जब मंगल इधर कवर अप किया, आत्महत्या के लिए मकरू कोशिश नहीं कर रहा था? दो दो बार तीन तीन बार कोशिश किया है कोई कोई मकरू लोग, बच गया, बचा, आत्महत्या के लिए भागा, घर से भागा, घर से 7-7 दिन 8-8 दिन बिना बोले, इतना अतिष्ठ हो गया अपने घर वालों से कि भाग गया। घर में बंधुआ कुत्ता बन के रख दिया गया, अपना पैसा अपना धन का मालिक नहीं था, अपना पैसा का मालिक दूसरा कोई मालिक, हटाओ एटीएम कार्ड दे दो, पैसा दे दो, तुम लवरी को दे देते हो, तुम वो क्या बोलते रखेल को दे देते हो, या तुम ब्लैकमेलर को दे देते हो, सब चेकिंग करो, अकाउंट चेक तुम्हारा नहीं हुआ मकरू? अकाउंट चेक हुआ है, अभी मीन के साथ चल रहा है, मीन के साथ होगा। याद करो मकर का ग्रहण, प्रचंड ग्रहण हुआ था उस समय, ये केतु घूमते घूमते जा रहा था, कई सारे मकरू वालों का बैड न्यूज, बैड मैटर को सॉल्व करने के लिए रात रात भर जगना, यात्रा करना हुआ था। आज है द्वादश का शनि था, धोबी घाट, कोई धोबी घाट में सोया होगा, कोई धोबी के घर में सोया होगा, कोई ऐसा जगह जिसको बोलते हैं सबसे गंदा कचड़ा, वो जहां चमड़ा और मांस का काम करते हैं, या जो लोग बाजा बनाते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सब ऐसा कहाँ है, किसका कम किसका ज्यादा, किसी को उस समय तो बेहोश थे, तुम्हें कहाँ पता चलेगा कि जहां सोए हो और जहां खा रहे हो किसका घर है, जहां छुप छुप के घूम रहे थे वो किसका कौन सा जगह है, तुम्हें कहां से पता चलेगा? कोई मसान घाट में तो कहीं ऐसे बस्ती, अछूत भंगी इत्यादि का बस्ती में घूम रहे थे, आज याद नहीं है, टाइम पार हो गया। छुपते छुपाते कोई 7-8 दिन के लिए कहीं पुलिस नहीं पकड़ ले, कहीं वो तगादा वाला पैसा मांगने वाला नहीं आ जाए, कहीं ब्लैकमेलर नहीं आ जाए, कहीं लवरी या रखेल दौड़ दौड़ के नहीं आ जाए, हुआ था। अभी मीन के साथ चल रहा है, कुंभ के साथ भी हुआ, हुआ है कुंभ के साथ, अभी ना बोलेंगे, कौन खोलेगा अपना सच बात? नहीं, जिसको पता है उसी को पता है, वो दर्द उसे पता है। रात रात भर नींद नींद नहीं आना, क्या करेंगे क्या नहीं, पागलपन जिसको बोलते हैं विकल भाव, कोई नहीं है, अकेले रात रात अकेले घूमना, भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, कोई नहीं है साथ में, मार पड़ता है तो ये होता है। आज है, आज बहुत अच्छे कंडीशन में हो, बहुत शांति कंडीशन में हो। अरे 6 महीना पीछे चले जाओ ना, जब राव राव चिल्ला रहे थे क्या करेंगे, काम नहीं हो रहा है, आते आते पैसा भाग रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है, माइंड स्टॉप हो गया है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, आज है पार हो गए हो। इतना सारा समझाना पड़ रहा है देखो कि 2024 अच्छा आएगा आएगा, होगा होगा, होगा यार। वो काला दिन को याद करो ना, जो जिसको बोलते हैं क्या, आस्तीन का सांप, पाला हुआ नाग, दूध पिला के रखे थे विश्वास करके, तुम्हारे विश्वास में विष दे दिया, जहर दे दिया, खिलाया पिलाया उसके, अपना बीवी के लिए डब्बा में नहीं भरा था लेकिन रखेल के लिए भर देता जाता था। आया है एक वीडियो डिस्क्लोज करूंगा, ऐसे ही केस आया है, बहुत बड़ा नेता है उसका केस वीडियो आया है, नहीं उसका नाम फोटो कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करिए, उसी के सब्जेक्ट के ऊपर आया है।
बोलता है लवरी के चक्कर में 1.5 लाख दे दिया, रखेल के चक्कर में हाँ सब दिया, खिलाया पिलाया, आखिरी में वही मेरे को ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया। होता है, विश्वास किए थे, चाबी अलमारी का चाबी दे दिए थे, ऑफिस का चाबी दे दिए थे, ले लिया पेपर, ठोक दिया बम्बू, घूम रहे थे। आज है, आज दोगे ऑफिस का चाबी, स्ट्रांग रूम का चाबी दोगे, पासवर्ड दोगे, लैपटॉप दे देते थे ना, वही लैपटॉप से लेके आप ही को ही कूट दिया, मोबाइल देते दे थे बड़ा विश्वास में, वही मोबाइल से लेके नंबर लेके आप ही को ठोक दिया था ना, बदनाम करके रख दिया था ना। आज है, विकल भाव से दौड़ रहे थे, हताश उदास निराश, हा क्या होगा मेरा, जिंदगी सब बर्बाद हो गया, डूब गया मैं। आज कैसे हो? जब आज अच्छे हो और वो काला रात को इंतजार कर रहे हो, ये सारे बहुत सारे केसेस का एनालिसिस बता रहा हूं, और उस समय प्रेडिक्शन दिया था भी, लेकिन उस समय आप लोग नहीं सुनने वाले थे, जैसे आज मीन वाले नहीं सुन रहे हैं, मीन का वीडियो छोड़े ना तो 122 120 ऐसा कुछ होगा। अभी एक्सीडेंट का वो एक्सीडेंट होगा बोल के बनाया, कई सारे एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होगी आपको कैसे पता चला? तेरी भला। अभी देखना राहु वालों का, कई सारों का मोबाइल टूटेगा, गिरेगा, फेंकेंगे, बीबी के साथ झगड़ा लग के फेंका फूकी होगा। मैं चाहता हूं कि मीन वालों को आप थोड़ा सा मेरा वीडियो दो, मैं नहीं चाहता कि कल उनका जिंदगी में आप जैसे हालत हो कि बीबी छोड़ के भाग गई, लवरा छोड़ के भाग गई, रोते बिलखते फिर मेरे को रोएं। हम लोग चाहें तो बचा सकते हैं, मैं जानता हूं जब लग्न में राहु चलेगा, 7.5 ही चलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश आके इनको नहीं समझा सकता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक प्रयास तो हम लोग कर सकते हैं। प्यारे मकरू वाले, आप लोगों को खास और कुंभ वालों को रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप मेरे से एक्वेंटेड हो और आप कोई जाने नहीं जाने, आप लोग अच्छा से जानते हो कि इस प्रकार का वीडियो कोई और चैनल वाला नहीं। हाँ, मेरे से जो सीख के लोग गए हैं, मैं चेला किसी को नहीं बोलता, मित्र लोग, शिष्य नहीं बोलता किसी को। हाँ, यहाँ से जो लोग, वो लोग मेरे ही वीडियो वीडियो फॉलो करके कुछ मेरे से भी ज्यादा जानते हैं एसईओ एसईओ करना, हम लोग ग्रामीण आदमी नहीं जानता है उतना, पीछे हैं वो लोग, आगे बढ़ गए होंगे तो कॉपी कॉपी पेस्ट करते होंगे तो करते होंगे। टाइम कहाँ उनका वीडियो देखने के, क्या बोल देगा, और हम नहीं जानते कि ना आप लिए हैं। ये स्टोरी कौन बोलेगा, इतना सारा इंसिडेंट, और देखना ये वीडियो छोड़ने के बाद ना कुछ और लोग भिड़ेंगे अभी मेरे साथ, नहीं भिड़ना जरूर नहीं, मुझे पता है मकरू के साथ क्या क्या हुआ है, किसका घर जल गया, किसका रामायण जल गया, किसका पूजा घर जल गया था, किसका टीवी जल गया, किसी का फ्रिज जल गया, किसी का गोदरेज जल गया, किसी का पूरा कपड़ा जल गया, किसी का फार्म हाउस जल गया, पूरे फार्म हाउस 50-60 लाख का फार्म हाउस इधर से उधर खत्म, 7.5 ही में जलता है, लेकिन जलने के लिए उसको जो अभी अभी जलेगा, अभी ये जो तुला को छोड़ देगा, मंगल वृश्चिक में आ जाएगा, यह तो पंचम चल रहा है ना, फिर 4-6 4-10 का रिलेशन होगा, वो मैं प्रेडिक्शन अभी से दे दे रहा हूं। तो ये सारा इतना प्रजक जो बता रहा हूं, मुझे विश्वास करो बोल के नहीं, आप अपने को विश्वास करो, अपने हालत का एनालिसिस करो, पास्ट में क्या हुआ था, और उससे आज 1000 गुना अच्छे कंडीशन पे चल रहे हो। और भी है, फाड़ने लगो ना तो बहुत सारे बम्बू हैं मेरे पास, एकदम नहीं देख रहे हो, रिपोर्ट कार्ड बना बना के बैठे हैं, हर एक राशि का, ये तो 12 राशि का नहीं देख रहे हो, 12 राशि का 12 12 प्लेट, ऐसे ऐसे डायरी लोगों को मांग मांग के, पुराना वाला सब लाके कागज बना के लिखता हूँ, ये मेष राशि का 2023 चलते रहता है, और भी होगा। हाँ, ये वाला 17 18 22 का रहेगा। हाँ, तो ये रिपोर्ट कार्ड साइड में देखो, ये बना हुआ है, प्रडिक्शन निकालता हूँ, इसमें से ये होगा तो इसमें ये होना चाहिए, इसमें से ये होगा तो ये, अध्ययन करते रहता हूँ तभी तो बोलता हूँ, नहीं तो हवा में बोल के तो नहीं जीत सकता। तो बाप ये देख लो, ये तो एकदम लंबा लिस्ट है एकदम, अब इतना सारा बोलने लगूं, इधर बोलने लगूं, इधर बोलने लगूं बौखला जाओगे, ठीक है ना, होता है।
मेरा यहाँ इतना सारा बोलने के पीछे रहस्य है कि बेटा सोच कि मेरा अच्छा होगा तो अच्छा होगा। मन चंगा कटौती में गंगा, मन में अगर डर रह गया तो फिर अच्छा होने वाला बुरा हो जाए। और बार बार बोल रहा हूं, कुंडली का जितने दुर्योग है उसको शांति कराओ, 7.5 का यही लक्ष्य है और कुछ लक्ष्य नहीं। तुम्हारा पेंडिंग कर्म तूने छोड़ दिया, उनको शांति नहीं किया, रिकवरी नहीं किया, पेंडिंग कर्मास, पेंडिंग ग्रह युति, सोचो किसी का काल सर्प पड़ा है आज तक सफाई नहीं, उसे पता ही नहीं काल सर्प बोल के। एक गधा तो बोला कभी कुंडली दिखाया है नहीं, अभी फटा बोल के दिखा रहा हूं, ले सापित जोग पड़ा है, सापित जोग कैसे शांति करते हैं उसे नहीं पता, बोला कोई आज तक नहीं बोला, बोला देख क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है, ये नारी श्राप, नारी से श्राप की दोष पड़ा हुआ उसे नहीं पता, बुढ़िया भाग गई, एक्स्ट्रा मैरिटल 3 बीवी के साथ घूम रहा है, एक औरत का भी था, एक बीवी छोड़ा, दूसरा बीवी, दूसरा एक हस्बैंड छोड़ा, दूसरा हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड, तीसरा हस्बैंड, 7.5 में और एक हस्बैंड के साथ शादी करके बैठा, तीसरा हस्बैंड, चौथा हस्बैंड, कहां से हो गया, बृहस्पति डैमेज नहीं निवारण किया, किसका, ये मीन का सूर्य है, धनु का सूर्य है, तुला का सूर्य है, जिंदगी में आज तक इनका शांति नहीं कराया, क्या है 7.5 बोल रहा है कि बेटा यू जस्ट नॉट फुलफिल योर ऑल द प्रायश्चित, ये धरती में आए हैं प्रायश्चित करने के लिए, आदु कर्म प्रसंगाद कले अति कलुषम मात्र को खेसते तमाम, नहीं किया शनि ठोक देता है, हालत बता देता है कि देख ओरिजिनली तेरे अंदर क्या है, ये है बेटा ठीक कर, बस नहीं किया फिर कहां से सुधरेगा, भोगते रहो। और जिसका जन्म में राहु है और 7.5 लगा है, मतलब चंद्रमा राहु वाला, या जो भी लग्न हो उसमें राहु बैठा है, या कुंभ का लग्न हो राहु है, दौड़ाता है हॉस्पिटल, जिसका कुंडली में लग्नेश अष्टम में और राहु लग्न में, खुद हॉस्पिटल जाएगा तो शांति लगेगा, बिना मतलब का डॉक्टर को बोलेगा यहां दर्द, यहां दर्द, यहां पट रहा है, यहां चुट रहा है, यहां सट रहा है, डॉक्टर जी दिखाओ, ये लो, ये एस्ट्रोलॉजी बेकार, ये पूजा पाठ बेकार, 5-5 लाख 2.5-2.5 लाख रुपया दे के बिना मतलब का बोलेगा ऑपरेशन करो, डॉक्टर बोलेगा जरूरत नहीं, अरे करो पैसा हम देंगे, तुमको क्या टेंशन, पागल जैसे, आज एक बीमारी छूटा दूसरा दिन 15 दिन गया नहीं, अभी 5 लाख का ऑपरेशन करके आया, छठा दिन तीसरा ऑपरेशन, ठीक करो, अरे अभी तो कराया था और कराओ, नहीं टेस्ट करो, इधर से पाइप घुसाओ, इधर से पाइप घुसा के हार्ट में लाओ, चेक करो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नाक से पाइप घुसाओ लंग्स में, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचो ना। और अगर हॉस्पिटल में जाए तो 10 आदमी को फोन करेगा, हेलो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, हाँ ऑपरेशन होगा, हाँ डॉक्टर आएंगे, हाँ नहीं कर रहे 10 आदमी को, मैं फिर नहीं आया कोई, तो मेरा कोई नहीं है हॉस्पिटल में जगने ड्यूटी देने वाला, मेरे को साथ देने वाला, मेरा कोई नहीं, वॉट हो गया, बाद में बात करेंगे, ओवर, थैंक यू।